गुलदार ने एक बार फिर एक किसान पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, गुलदार ने किसान को बेरहमी से मारकर उसके आधे से ज्यादा गर्दन को अपना निवाला बना लिया। किसान का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। उधर किसानों ने भारी संख्या में संगठनों के लोगों के साथ बिजनौर नूरपुर हाईवे को जाम कर दिया। सड़क पर ही शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया। अच्छा, क्या नाम है इनका? पीयूष कुमार। अच्छा, तो गुलदार ने फड़ा इन्हें? जी। अच्छा, सुबह जब गए थे चोट लेना, सुबह 5 किलो जंगल में जा ही रहे थे कि रात के लिए हमला कर दिया। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हरदोई में ट्रेन में परीक्षार्थियों को पीट रहा आरपीएफ जवान। पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे थे परीक्षार्थी। ट्रेन में गेट के पास खड़े परीक्षार्थियों के सिपाही ने जड़े थप्पड़। ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने के चलते खचाखच भरी थी ट्रेन। परीक्षार्थियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। हरदोई पहुंचे आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री ने शोरूम का किया उद्घाटन। आयकर ऑफिस के सामने खुला है साई कलेक्शन शोरूम। इसके बाद आवास पर सुनी फरियादियों की समस्याएं, कार्यकर्ताओं का भी जाना हाल। इस दौरान एमएलसी अशोक अग्रवाल और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अग्रवाल और भाजपा नेता सूरज सिंह सोमवंशी रहे मौजूद। लगातार हो रही बारिश के चलते केदार घाटी के ब्यूरंग गांव के ऊपर बादल फटने से भारी नुकसान हो गया। केदारनाथ हाईवे से सटे 2 होटलों के भीतर मलबा घुस आया, जिससे रात को ही होटल के भीतर सो रहे यात्री को अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। वहीं गांव में एक तोप में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पैदल मार्ग भी मलबे से कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पर बादल फटा जो दिनांक 22/8/2024 की घटना है, और ये मेरा अपना खुद का व्यवसाय है और ये मेरे भाई का ओम प्रकाश सेमवाल का व्यवसाय है। और कल रात यहाँ बारिश से ऊपर से भयंकर तबाही आई और हम लोग यहाँ पर आए तो जब यहाँ पर देखा, हमने मंजर देखा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बहुत पूरे कमरों में पानी भर गया और बहुत रास्ते से पानी लाइन से उससे पूरी क्षति प्राप्त हो गई है। प्रधान जी, आपके गांव में कितना क्षति हुआ, क्या आकलन है क्षति का? बहुत क्षतिग्रस्त हुआ। कल 10 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, 12:30 बजे यहाँ भूस्खलन हुआ, बादल फटने से बहुत नुकसान हुआ सर। हरदोई में नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेसवार्ता का आयोजन किया। विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का जताया आभार। कहा कि पूरे प्रदेश में संगठन का करेंगे विस्तार। पंचायती राज के तहत ब्लॉक प्रमुखों का है असीमित अधिकार, उनके सभी अधिकारों को दिलाया जाएगा। खुले मन से इस बात को पंचायती राज मंत्री के सामने रखा गया, अगर समस्या आई तो कोर्ट भी जाने को तैयार। पंचायती राज की समस्याएं हैं जिसमें ब्लॉक प्रमुखों को बहुत सारे अधिकार पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। इसमें धारा 52 में ब्लॉकों को असीमित अधिकार है, उसको लागू कराने की मांग हमने जिला अपने पंचायती राज मंत्री के समक्ष रखी थी और उन्होंने खुले मन से इस व्यवस्था को लागू कराने का वचन दिया है। शीघ्र ही हमारी एक बैठक, बड़ी बैठक पूरे प्रदेश के ब्लॉकों की माननीय ग्राम विकास मंत्री डिप्टी सीएम के साथ में और पंचायती राज मंत्री के सहित अधिकारियों के साथ में एक बैठक होगी लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद में हिंदी भवन में गोष्ठी का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें गाजियाबाद से विधायक सांसद यूपी सरकार के मंत्री सुनील शर्मा, मेयर सुनीता दयाल, सभी बीजेपी पार्षद को इस प्रोग्राम में निमंत्रण दिया गया। योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार में उपचुनाव के मद्देनजर इस गोष्ठी के आयोजन को माना जा रहा है। गाजियाबाद में 56 विधानसभा बीते लोकसभा चुनाव में खाली हो गई थी, जिस पर उपचुनाव होना है। यहां से दूसरी बार बीजेपी से विधायक चुने गए अतुल गर्ग अब लोकसभा के सदस्य हैं, जिसके बाद यह सीट खाली हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदी भवन में उपचुनाव में जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आए। से रिलेटेड सारी बात करें और जो मोर्चे प्रकोष्ठ प्रकल्पों के जो हमारे अध्यक्ष थे उनसे बात करी और उनको आगे के लिए निर्देशित करा कि कैसे कैसे काम करें, और जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर हो उनसे पहले ही हमारा लगभग 80% काम पूरा होता है। बिजनौर में मैजिक वाहन और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। नहटौर क्षेत्र के गाँव दबथला के मोड़ के पास की हादसा। कन्नौज में हुआ की साजिश के शिकार पीड़िता से मिलने जाएंगे राज्य मंत्री। आपको बता दें कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जेल के निरीक्षण पर भी आयोग के अध्यक्ष जा सकते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार टूरिस्ट बस आगे जा रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में 12 यात्री हुए घायल। पुलिस और यूपीडा कर्मियों में मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। चालक को झपकी आने की वजह से हुआ हादसा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के तीरवा इलाके के पास का एक बुरा मामला है। हरदोई में सीएससी अधीक्षकों के कार्यक्षेत्र में हुआ बड़ा फेरबदल। 1 दर्जन से ज्यादा चिकित्सा अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में हुआ फेरबदल। सीएमओ रोहताश कुमार ने चिकित्सा अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में किया फेरबदल। चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत सुचारू संचालन बनाए रखने के लिए तबादले किए गए।
झांसी में रामगिरी महाराज नामक व्यक्ति द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, अभद्रता और अपमानजनक टिप्पणी कर देश का माहौल खराब करने और शांति सुरक्षा भंग करने, दंगा कराने की साजिश करने पर अपराधी पर अंश लगाकर कानूनी कार्रवाई किए जाने का मुस्लिम समाज लगातार समर्थन कर रहा है। इसलिए आए हुए हैं नासिक में, जो हमारे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उसी सिलसिले में हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं और जो गिरी महाराज नाम से कोई शख्स है उसने गुस्ताखी की है, तो उसके मुतालिक हम जो है अपना पैगाम उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और इन पर जो है शिकंजा कसें कि किसी तरीके से देश में कोई माहौल ख़राब ना करें। इस तरह की बात जो है सरेआम लोगों के सामने कह रहे हैं और दंगा और फसाद को भड़काना चाहते हैं। ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही फिल्मी डायलॉग और गानों पर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही है। ऑफिस में बैठकर पुलिस में तैनात सरकारी कामकाज छोड़कर महिला सिपाही सोशल मीडिया पर एक्टिव है। वर्दी की मर्यादा को भूलकर महकमे को बदनाम करने में लगी महिला सिपाही। अब देखना यह होगा कि ऐसे कृत्य करने वाली महिला सिपाही पर महकमे के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। वैसे इस वक्त वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। क्रिकेट बैट के जरिए हो रही थी गांजे की तस्करी, चेकिंग के दौरान पकड़ा गया गांजा तस्कर। बैट पर था कट का निशान, वजन में था दोगुना। खोलकर देखा गया क्रिकेट बैट तो निकला गांजा गिरफ्तार। अभियुक्त से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। कोसी का रहने वाला है, पकड़ा गया अभियुक्त बिजेंद्र। गिरफ्तार अभियुक्त पर कार्रवाई कर उसे जेल भेजा गया। कन्नौज में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पहुंचे जिला अस्पताल। अध्यक्ष देवेन शर्मा ने किया NRC वार्ड का निरीक्षण। वार्ड में भर्ती कुपोषित बच्चों का जाना हाल, व्यवस्थाओं से सुदृष्ट दिखे दर्जा प्राप्त मंत्री। बोले दूसरी बार हुआ कन्नौज आना, सब कुछ मिला दुरुस्त। दुष्कर्म पीड़िता के घर जाने का प्रोग्राम निरस्त होने का सवाल टाल गए अध्यक्ष। आने का रहता है, हर जिले में मैं जा रहा हूँ। कन्नौज में मैं दूसरी बार आया हूँ और आज क्योंकि 75 जिलों में मेरा जाना हुआ है, बाकी कमिश्नरी की बैठकों में मेरी हो रही है। उनके साथ जो तीमारदार लोग आए उनसे आपके सामने ही मैंने पूछा दवाई मिलती है, बोले मिलती है। डॉक्टर देखते हैं मैंने और कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब संतुष्ट हैं। और दूसरा मैंने NRC में देखा, साफ सफाई की व्यवस्था भी दुरुस्त थी और दूसरा एसेंशियल वार्ड में भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 10 फार्मर हैं और यहाँ पर बच्चे थे, बच्चे ठीक ठाक है। एक जुड़वा बच्चे को भी मैंने NRC में देखा। पिता ने अपनी 30 साल की बेटी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सिख पुकार सुनकर मां बचाने दौड़ी तो उसे भी पीट कर घायल कर दिया। पिता बेटी को तब तक पीटता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और हत्यारे पिता को भी धर दबोचा। हत्या के सही कारण का पता लगाने पुलिस जुटी है। प्रथम दृष्टया बिना पिता की मर्जी से शादी करना बताया जा रहा है हत्या का कारण। बेटा न होने के विवाद में भी हत्या की जाने की चर्चा। रक्षाबंधन पर मायके आई थी मृतका। पारूल सदर कोतवाली क्षेत्र के होली मोहल्ले का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। कल देर रात्रि कोतवाली कन्नौज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि होली मोहल्ला में एक व्यक्ति सुरेंद्र सिंह ने अपनी 40 वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली कन्नौज की पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया, पंचायतनामा भर के PM की कार्रवाई करवाई जा रही है। तहरीर प्राप्त कर ली गई है, तहरीर के आधार पर अभियुक्त सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।